कर्नाटक भाजपा के प्रमुख बी एस येदियुरप्पा ने सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह असंतुष्ट विधायकों के लिए नैतिक जीत है। इन विधायकों के इस्तीफे के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस जेडीएस गठबंधन गिराने की कगार पर पहुंच गया था। येदियुरप्पा ने कहा कि राजनीतिक दल 15 असंतुष्ट विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हो, और उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंत में यह कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के बारे में सभी तथ्यों पर गौर करते हुए अपना फैसला दिया है। कर्नाटक भाजपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी बृहस्पतिवार को जब विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब बहुमत नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री स्वतः कल इस्तीफा दे देंगे। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अध्यक्ष को जल्द से जल्द फैसले लेने और अपने आदेश उच्चतम न्यायालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। यह केवल अंतरिम आदेश है और भविष्य में उच्चतम न्यायालय अध्यक्ष की शक्ति पर भी फैसला करेगा। यह संसदीय लोकतंत्र में नया दौर शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस और जेडीएस के 15 संतुष्ट विधायकों को कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।